प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे पाकिस्तान से मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी, उनको ज्वाइन करेंगे चाइना से सुमित जैन साहब जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और खास बात यह है कि ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और जब भी ये साथ में होते हैं तो ना सिर्फ बहुत सारी जानकारी देते हैं बल्कि बहुत सारा हंसी मजाक भी होता है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद। से हमारे यहाँ वीडियोस चल रही है, मतलब गवर्नमेंट की बनाई हुई, जैसे होता है ना कि पेड होता है कंटेंट होता है, तो वो चलाया जा रहा है टीवी चैनल्स पे, बार बार दिखाया जा रहा है जी ऐसा हुआ था, चेरीज ले गए थे, ये कर गए थे, वो कर गए थे। फिर जो है वो कर्नल शेर खान की, जिसकी जिनकी बहुत इंडिया में भी रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान में भी, उनका बताया जा रहा है कि जी इनका स्टैचू तोड़ दिया था। मैंने शो में बोला, मैंने कहा भाई उनकी तो आप डेड बॉडी छोड़ के भाग कर आ गए थे, अब किस बात के लिए आप लोग बता रहे हैं कि जी उनके साथ बड़ा गलत हुआ है। कारगिल वॉर में हमारे लोग जो है वो सभी जानते हैं कि अपने ही फौजियों की डेड बॉडीज छोड़ के भाग गए थे। और जब वो सुबेदार शेर खान थे ना, हाँ, तो वो नहीं, उनको जो आप इंटरनेट पे जाएं तो कर्नल शेर खान लिखा हुआ है। तो एनीवे, तो उनको मैंने, मेरे पास एक रिटायर्ड फौजी साहब आए, मैंने उनसे पूछा कि जी आप लोग ऐसे छोड़कर आ गए थे, तो कहते नहीं नहीं वो मैं बता देता, वो जो है यार वो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेर साहब, वो तो जी इंडियंस जो थे ना वो अपने आगे फौजी हमारी यूनिफॉर्म पहना के दे रहे थे। मैंने कहा चलो ये नई कहानी लेकर आए, तो वो ऐसी ऐसी कहानी बताई जाती है। रोहित का कोई फोन आ रहा है शायद, नहीं ये फोन आ रहा है इमरान खान से कि भैया मेरा दिन का टाइम है, ये जो तेरे साथ आदमी बैठा है पीली शर्ट में, इसने 100 करोड़ बचाए थे, इसको बोलना कि 100 करोड़ की बात मत करना, नहीं तो आज के दिन और चित्र पड़ेगी। हाँ, और वो जो ब्लैक शर्ट में बैठी है वो बार बार मेरी ही चीजें जो है वो बता रही है कि जहाँ पे खेती हो रही है वहां से किस तरह से मंगाया जा सकता है। मेरे ख्याल इमरान खान ये भी बता, एक पुरानी कहावत है कि ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। भाई साहब आप सबके सब तो ये काम कर ले कि मतलब मुझे बदनाम करते ताकि पुलिस मुझे उठा ले जाए। भाई मैंने कुछ नहीं किया, शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। वहां इमरान खान को 4 डंडे एक्स्ट्रा पड़ेंगे आपके चक्कर में, इमरान खान भी देखेंगे कि यार मैं क्यों पिट रहा हूँ उसे, क्या पता कि यहाँ पे आपने बोल दिया कि रोहित ने पैसे भेजे थे उसे इमरान खान को। रोहित भाई हमें मालूम है बिल्कुल शरीफ हो, बस थोड़े से ड्रोन आते रहते हैं पाकिस्तान से जो छत पे आके लैंड कर जाते हैं, दैट्स इट। वो तो बात सही है, मैं आपकी मानता हूँ कि ड्रोन आते हैं लैंड भी करते हैं और मेरे को बाप उठवाने का पूरा काम करना, मतलब वहां चाइना में बैठा वैसा ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि मैं यहाँ उठ जाऊँ, गुड, प्राउड ऑफ यू। हालांकि कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो, ना उन्होंने ये कहा कि आप पन्नू के दोस्त हो, ना मैंने ड्रग्स की बात करी है कि ड्रोन में ड्रग्स आते हैं, मैंने ड्रोन की बात करी है, बाकी जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका। अरे ड्रोन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब तो आ नहीं रही होगी, ये तो पक्का है। अच्छी चीज भी आती है, मैं कहीं पढ़ रही थी कि ड्रोन से जो है वो फूड खानों की होम डिलीवरी भी हो सकती है, बिरयानी बना के यहाँ से ड्रोन से भेज दी जाए। आप भी पिछले प्रोग्राम में बोल चुकी हो पन्नू से अच्छी दोस्ती है मेरे को, दोस्त असली दोस्त वही होता है जो कब्र तक साथ दे, नहीं दोनों के दोनों। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लास्ट शो में, मेरे शो में लगाया कि जी मुझे 25 लाख मिलते हैं, तो मैंने भी आपको बता दिया कि जिन्होंने ये खबर दी है, नहीं नहीं जो 25 लाख की बात थी, आज हमें क्लियर हो गई है कि 25 लाख कैसे आते हैं, ये ड्रोन से ही आते हैं। वो हमने 25 लाख की बात करी थी, हमने रुपयों की बात ही नहीं करी, हमने तो करेंसी बताई नहीं आपको। अच्छा 25 लाख डॉलर आपको दिलवाने की जगह खुद ने ले लूं, अगर ले सकते तो लेके बता दे, पाकिस्तानियों का पैसा कोई नहीं ले सका आज तक, हम ही लेते हैं, लोग नहीं लेते। पाकिस्तानियों से पैसा ले गया एक आदमी, मैं आपको बताता हूँ कौन है, चाइना। आपके पास डेवलपमेंट भी नहीं की, प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, पैसा लेकर निकल लिया और हर साल धमकी देता है कि इतना पैसा दो।
ओ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता है। है हम उसकी धमकी में आते हैं क्या? हम सीरियसली लेते ही नहीं उसकी धमकी को। नहीं हमें जब भी तो वो समझ ही धम नहीं आती, वो चाइनीज में बताते हैं हमें कुछ नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। नहीं जब भी वो पैसे मांगते हैं ये दो चार उनके इंजीनियर को उड़ा देते हाँ उधर ही फड़का देते हैं, उसके बाद वो और पैसा लेकर आ जाते हैं और फिर काम भी करते हैं चुप करके, चाय भी नहीं मांगते बीच में वर्किंग आवर्स में। हमला आज भी ग्वादर में हुआ है, सोते हुए कुछ पंजाबी लोगों को मारा गया है ऐसी खबर है। और ये खबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी है डिटेल में। लेकिन जो भी हुआ है आतंकवाद किसी भी तरीके से, टेररिज्म किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, गलत है। मैं आपसे एक चीज और फाइनली क्योंकि माइंड आपका टाइम हो रहा है तो फाइनल क्वेश्चन दोनों के सामने पुट अप करूंगा, क्या ये मदरसा पॉलिसी जिससे या इमरजेंसी एजुकेशन इमरजेंसी हो गई इससे पाकिस्तान को बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा होगा अगर ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए, क्या टीएलपी या दूसरे मौलाना जिनकी आरजू जिसे कितना प्रेम है, भाई बहन वाला प्रेम है मौलानाओं से, वो होने देंगे इसका इंप्लीमेंट? किससे पूछ रहे हैं आरजू जी आपसे? अच्छा नहीं मुझे लगता है कि अगर ये कर पाए जो कि इन्हें करना चाहिए, अगर कुछ और नहीं कर सकते कम से कम ये एजुकेशनल इमरजेंसी वाला जो इन्होंने अनाउंस किया है उसके ऊपर तो काम करें, तो फिर यकीनन अभी अभी तो नहीं लेकिन कुछ टाइम लगेगा कि यहाँ पर लोगों के माइंडसेट को चेंज किया जाए और थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आए। लेकिन अगर ये कुछ टाइम के बाद फिर बैठ गए और इन्होंने अपने काम नहीं किए जो ये हर बार अनाउंस तो करते हैं लेकिन करते तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ होता हुआ हम नहीं देखेंगे। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस में ये हाल है कि छोटे छोटे बच्चे अगर आपसे ये बात कर रहे हैं जिनको के रिलीजन का मतलब भी नहीं आता, इतने छोटे बच्चे अगर आपको ये बता रहे हैं कि उनके उनकी क्लास में कोई क्रिश्चियन है उसको कलमा पढ़ाने की जो है वो सोचे जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का माइंड सेट क्या है। क्या ये मदरसा पॉलिसी इंडिया में जो आतंकवादी आते हैं उसको उस पर रोक लगा सकता है, क्योंकि अजमल कसाब जैसे लोग जो पढ़े ही नहीं थे कभी वो रोक भाई, सकते हैं बच्चे? या जो इन्होंने पॉलिसी निकाली है शहबाज शरीफ ने अगर देखा हो आपने तो उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो एब्रॉड नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है। दैट मींस उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि भाई क्योंकि आपने देखा होगा कि रिसेंटली थोड़ी सी टेररिस्ट एक्टिविटीज पूरी दुनिया में कम हुई हैं इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि ये बेचारे अपने जो स्किल्ड लेबर थी उसे बाहर नहीं भेज पा रहे थे। तो शहबाज शरीफ ने एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, पाकिस्तान स्किल कंपनी और स्किल डेवलपमेंट का एक फंड भी खड़ा किया है। अब आपको मालूम है कि इनकी जो बेस्ट स्किल है वो तो वही है जो जिहादीपन होता है, अब उसकी स्किल को और एनहांस करने के लिए जिहादीपन में इन्होंने फंड भी बना दिया है, डेवलपमेंट फंड को बोलते हैं या स्किल डेवलपमेंट फंड। हमारे यहाँ पर आईआईटी आपको मालूम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम कैसे कैसे बच्चे निकालते हैं, इनकी जो आईआईटी अभी खोलने वाले हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म उसके अंदर ये कैसी डेवलपमेंट करेंगे स्किल्स की आप समझ सकते हैं। तो शहबाज शरीफ ने अपना प्लान बता दिया कि बच्चों को हमने पढ़ाना है, इनकी स्किल्स को करना है और इसको पूरे दुनिया में, देखो सोच के देखिए आप, पाकिस्तान में उन लोगों को रखना है ताकि यहां पे डेवलपमेंट आए, वो नहीं है ताकि इन्हें अब्रॉड जाकर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इसलिए इनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। ऐसा प्रधानमंत्री इन्हीं को मुबारक हो सर, ये तो ऐसा प्रधानमंत्री सिर्फ पाकिस्तान को मुबारक हो सर। जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई बहुत हायर एजुकेशन में चला जाए और पढ़ लिख ले तो वो उसके बाद वो कंट्री में ही रहे। आप भी तो चाइना बैठे हैं, आप भी तो भारत में नहीं है, तो ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ पर भी हैं जो अगर अच्छी एजुकेशन ले लेंगे तो यकीनन उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी जॉब करने की। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एक माइंड सेट यहाँ पे मदरसे वाला बनाया जाता है कि जी जिहाद करना है या अपने वो 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ, वो कहीं ना कहीं जाकर कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो है वो एजुकेशन लेता है और जैसे जैसे थोड़ी एज होती है बड़े मतलब स्कूल कॉलेज से आगे निकलते हैं और पढ़ाई लिखाई की हो तो इस तरह की जो थॉट्स होती हैं वो भी कम होती हैं, उसको भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप देखें जितने सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं जब भी कोई हादसा होता है कहीं पे, हमने वो तो देखे नहीं आदो जी। वो आपको ज्यादातर या तो टीन एज मिलेंगे या बहुत भी हुए तो 23-24 इस एज से आगे के नहीं होते, इसलिए कि उससे पहले ब्रेन वॉश करके उनको यही सिखाया पढ़ाया जाता है कि भाई आप वहां जाके इतने लोगों को मार दो या पड़ जाओ तो तुम जन्नत में चले जाओगे और तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन अगर यही लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और ये मदरसों वगैरह पे कंट्रोल किया जाए तो इनके जो एक ब्रेन वॉश करके गलत चीजें सिखाई जाती है उससे निकलेंगे तो फिर ये चीजें फिर रुकती भी चली जाएंगी ना।
वरना आपने कभी देखा है कि कोई 30 इयर्स का है वो जाके कहीं फट गया, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा क्योंकि होता यही है कि क्योंकि ये बहुत यंग एज में इनके साथ होता है और इनको यही सिखाया जाता है, इस वजह से ये चीजें होती हैं। I mean, this is what I feel. तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो ना सिर्फ आपको एंटरटेनिंग लगी होगी बल्कि तीनों से आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।